डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के पेपर कोड 309 डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट की बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, धान का जीवाणुज झुलसा नामक रोग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी यह धान का ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है और जिस बैक्टीरिया द्वारा यह उत्पन्न होता है उसका नाम जैंथोमोनास ओराइजी है। जैंथोमोनास ओराइजी, यही जैंथोमोनास ओराइजी को आप इस डिजीज का काजल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात करते हैं हम इस डिजीज के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन, परिचय। धान की फसल का यह प्रमुख रोग है और विश्व के प्रमुख धान उत्पादक देशों जापान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैक्सिको एवं भारत इत्यादि देशों में प्रमुखता से देखा जाता है। इस रोग को सर्वप्रथम वर्ष 1884 में जापान के फुकुओका क्षेत्र में वहाँ के किसानों ने देखा था। भारत में यह रोग सर्वप्रथम 1951 में मुंबई के खोपोली क्षेत्र में देखा गया, परंतु उस समय इसके रोग जनक को नहीं पहचाना जा सका था। संभवतः हमारे देश में इस रोग का प्रवेश वर्ष 1951 में फिलीपींस से आयात किए गए धान के बीज के साथ हुआ था, ऐसा भारत में माना जाता है। आगे हम बात करते हैं इस डिजीज के रोग लक्षण सिम्टम की। सिम्टम, यह एक पर्णीय रोग फोलियर डिजीज अर्थात पत्तियों पर दिखाई देने वाला रोग है। इस रोग के लक्षण रोपाई के लगभग 4 से 6 सप्ताह बाद उस समय प्रकट होते हैं जब पौधे की पत्तियां एवं तने वृद्धि करके फैलने लगते हैं। प्रारंभ में रोग लक्षण पत्ती के एक या दोनों किनारों पर, सिरे पर हल्के हरे या पीले रंग के 5 से 10 मिलीमीटर लंबे धब्बों के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर
लंबी धारियां बना लेते हैं। बाद में यह लंबाई और चौड़ाई दोनों रूपों में बढ़ते हैं तथा पत्तियां सूख जाती हैं, जिससे फसलों में कल्ले टिलर्स नहीं निकलते हैं और रोग ग्रसित पौधा पूर्ण रूप से सूख जाता है। आगे हम बात करते हैं इस रोग की इटियोलॉजी, रोग हेतु की, जिसमें सबसे पहले काजल ऑर्गेनिज्म जैंथोमोनास ओराइजी, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थान या क्लासिफिकेशन, किंगडम बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, गामा प्रोटियोबैक्टीरिया, आर्डर जैंथोमोनाडियल्स, फैमिली जैंथोमोनाडियेसी, जीनस जैंथोमोनास एंड स्पीसीज ओराइजी। आगे इटियोलॉजी में हम लिखते हैं जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु, जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु दंडाकार या छड़ाकार राड शेप बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, जो गोल सिरों वाला तथा माप में एक से दो गुणे 0.5 से 0.8 मियोमीटर आकार का होता है और अकेले या युग्मों या जोड़े के रूप में मिलता है। यह 6 से 8 मियोमीटर लंबी 6 से 8 मियोमीटर लंबी कशाविका फ्लैजिला द्वारा गतिशील होता है, अर्थात यह फ्लैजिलेट बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, जिसके फ्लैजिला की लंबाई 6 से 8 मियोमीटर होती है। अभिरंजन प्रक्रिया ग्राम स्टेनिंग में या स्टेनिंग प्रोसेस में यह ग्राम अग्राही या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। आगे हम इसके डिजीज साइकिल की बात करते हैं। डिजीज साइकिल रोग चक्र, अर्थात यह रोग ईयर टू ईयर हमारी फसल में कैसे उत्पन्न होता है। रोग जनक जीवाणु जंगली घासों के ऊपर या फिर पुराने रोग ग्रस्त फसल अवशेष पर जीवित रहता है, जहां से यह प्राथमिक निवेश द्रव्य का, प्राइमरी इनाकुलम का मुख्य स्रोत बन जाता है। पुनः धान की स्वस्थ फसल मिलने पर तथा अनुकूल वातावरण 22 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलने पर यह नई फसल को संक्रमित कर देता है। आगे हम इस डिजीज के डिजीज मैनेजमेंट या कंट्रोल की बात करते हैं। तो
तो इसके कंट्रोल के लिए या मैनेजमेंट के लिए या फिर हमारे फसल में डिजीज पहले से न आए उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, बीज का चुनाव हमेशा रोग ग्रसित फसल से नहीं करना चाहिए, अर्थात डिजीज फ्री एरिया से हमें बीज का चुनाव करना चाहिए। अधिकांशतः देखा गया है जहाँ वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, हमेशा जल भराव होता है, वहीं पर इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसके लिए खेत से पानी को निकाल कर उसे कुछ दिनों तक सूखने देना चाहिए और खेत की मिट्टी में दरारें पड़ने से पहले उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, रोपाई से पहले 0.5% ब्लाइटॉक्स 50 या फाइटोलान के घोल में नर्सरी पौधों को डुबोकर रोपाई करना चाहिए। बीज को एग्रोमाइसिन 100 के 0.025 घोल प्लस जलीय घुलनशील सेरेसान के 0.05% घोल में 8 घंटे तक रखने के बाद 30 मिनट के लिए 52 to 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उष्ण जल उपचार करना चाहिए। रोग नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि रोग अवरोधी किस्म पूसा NR 162, जयश्री, रत्ना PR 4141, IR 64, IT 8320, PR 114, 115, 116, पूसा 1121, बिरसा विकास धान 110, बिरसामती, बिरसा विकास धान 109, पूसा सुगंध, भोगवती इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए।